चालान कटने पर बीजेपी नेता का हंगामा। सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो अभी, सबको। नेता की दबंगई पर भड़की लेडी सिंघम। सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? तब भी डरने वाली नहीं हूँ। आप सक्षम हैं? ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। नेता के टशन पर लेडी सिंघम का एक्शन। कहते हैं तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करती है। एक महिला 50 फुट ऊंचे मंदिर के ऊपर क्यों चढ़ गई, उस महिला का क्या हुआ, सच्ची घटना में होगी उस महिला की दास्तां। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे नेता की कहानी जो बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा था और पुलिस ने जब 200 रुपए का चालान काटा तो वो हंगामे पर उतर आया। लेकिन उस नेता की दादागिरी पर भारी पड़ी लेडी सिंघम। हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां शुक्रवार को बीजेपी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता एक महिला पुलिस अधिकारी की कार्रवाई से भड़के हुए थे। दरअसल शुक्रवार को बुलंदशहर में पुलिस चेकिंग के दौरान चालान काट रही थी। इसी दौरान पुलिस ने प्रमोद लोधी नाम के शख्स को बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए पाया। पुलिस ने इस गलती के लिए 200 रुपए का चालान काट दिया। इस बात से प्रमोद लोधी भड़क उठा, जो खुद को बीजेपी समर्थित जिला पंचायत का सदस्य बता रहा था। बात कहां सुनी से शुरू हुई थी, लेकिन मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब प्रमोद लोधी के समर्थन में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, वो ड्यूटी पर तैनात लेडी सीओ श्रेष्ठा सिंह से भिड़ गए। पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के, अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया, बदतमीजी हाथापाई करी आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के होगी बसपा क्यों, भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के हंगामे के सामने लेडी सीईओ श्रेष्ठा सिंह नरम नहीं पड़ी। उन्होंने आरोपी प्रमोद लोधी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो मामला और भी भड़क गया। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है, जितने लोग होना सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो अभी, सबको। नहीं, इनको जो करना है कर लें, दो बात करो, बात करो, एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम आप हम रोड पे खड़ा होना बंद करते हैं। लेडी सीओ श्रेष्ठा सिंह के सख्त तेवर के सामने हंगामा कर रहे लोगों की जब एक नहीं चली तो वो बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी के पास पहुंच गए और कोर्ट में सीओ श्रेष्ठा सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद मेरी थी, मैं उससे बोला मेरी चाबी दे दे, तो पीछे गाड़ी के पीछे बोला 500 रुपए दो अलग से, 500 रुपए दो अलग से। मैं बोला 500 किस बात के, बोला पैसे क्यों नहीं देगा, तुम नेतागिरी दिखा रहे हो, इस बात पे तनखा भड़की हुई थी। फिर उसने मुझे मार लगाई। बीजेपी विधायक के समर्थन से नारा लगा रहे लोगों का हौसला और बढ़ गया। अब बात नाक की लड़ाई की हो गई। बीजेपी नेता लेडी सीओ श्रेष्ठा सिंह की शिकायत सीएम योगी तक पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। वहीं सख्त तेवर वाली सीओ उन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे रही थी। कुछ नहीं, मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला क्या चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ, तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता है कार्यकर्ता? भाजपा के। तो वहाँ इस तरीके से तो हम सबको नहीं।
छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा हम लोग करवाएंगे। कोर्ट परीक्षा किसी भी तरह के धरने या नारेबाजी के लिए नहीं है, अगली पुलिस क्यों पीछे हट रही है? हम अभी मुकदमा करवाएंगे ना इनके पीछे, तो लोग ऐसे क्यों नहीं जा रहे हैं? बोल तो रही हूँ, अभी मुकदमा मैं करवाती हूँ। नहीं नहीं, हम भी तो FIR दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता हमारा फर्जी भेजा हुआ, हम भी जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने कह दिया हाँ जी, हम जांच कराएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ के लेवल पर हो चाहे मुख्यमंत्री तक ही मुद्दा था। कहा सुनी 200 रुपए के चालान से शुरू हुई थी, लेकिन इस बात को लेकर BJP विधायक बनाम लेडी CO के बीच ठन गई। मामला जब आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरे मामले की जांच का आश्वासन देकर इस झगड़े को शांत किया। आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हो आप। सक्षम है जी, ठीक है, सक्षम आज हूँ कल भी रहूंगी, और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रूपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रूपए? सच्ची घटना के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब कहानी उन तीन भाइयों की जो ईद के मौके पर घर लौट रहे थे। उन्होंने दिल्ली में ईद की खरीदारी की थी, लेकिन जिस ट्रेन में वो सवार हुए उस ट्रेन में तीनों भाइयों का कुछ युवकों के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ सीट को लेकर शुरू हुआ था, और इस झगड़े में तीन भाइयों पर हो गया चाकू से हमला। और अब चलती ट्रेन में कत्ल की घटना पर उठ रहे हैं कई सवाल। ट्रेन में घुसी बदमाशों की टोली, सीट झगड़े में हुआ खूनी हमला, और बदमाशों ने किया युवक का कत्ल। ट्रेन में चाकू कांड का सच। ट्रेन के डिब्बे में बिखरे खून के ये निशान बयां कर रहे हैं बेरहमी की एक बेहद ही डरावनी कहानी। शुक्रवार शाम इसी मथुरा दिल्ली लोकल शटल से तीन भाई ईद की खरीदारी के बाद घर लौट रहे थे। इससे पहले कि जुनैद, शाकिर और हासिम नाम के तीनों भाई घर पहुंचते, ट्रेन में उनका कुछ युवकों से झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक ओखला स्टेशन पर चढ़े कुछ युवक सीट को लेकर तीनों भाइयों से झगड़ने लगे। ये 5-7 लोग थे, जाति सूचक कोई शब्द नहीं, ये एक सीट के ऊपर लड़ा हुआ था इनका। पुलिस के मुताबिक जुनैद, शाकिर और हासिम फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते थे, लेकिन झगड़ा कर रहे युवकों ने उन्हें ट्रेन से उतरने नहीं दिया। इस बीच तीनों भाइयों ने अपने एक साथी को फोन कर बल्लभगढ़ स्टेशन पर बुलाया, और इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने तीनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। सदर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे दो थे, 15 लड़के आए थे, तो उसके ऊपर लड़ाई करके हम तक कपड़ों पर मारे, बहुत समस्या हमले के चश्मदीद मोहसिन खान के मुताबिक चाकू के हमले में जुनैद नाम का भाई सबसे ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाकी दो भाई शाकिर और हासिम भी घायल हो गए। ट्रेन जैसे ही असावटी स्टेशन पर पहुंची, हमलावर मौके से फरार हो गए। ईद की खरीदारी करके बल्लभगढ़ अपने घर वापस लौट रहे तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई और दो घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जुनैद और उसके दो भाई शाकिर और हासिम को दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ जुनैद की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों भाई अब भी वहीं भर्ती हैं। ट्रेन में इस खून खराबे की यह कहानी जंगल की आग की तरह फैली, और ये बात सामने आई है कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने धर्म को लेकर अभद्र टीका टिप्पणी की थी। कुछ अखबारों के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने थैले में बीफ ले जाने का भी आरोप लगाया था, लेकिन शुरुआती जांच में GRP यानी रेलवे पुलिस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। FIR में कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि बीफ को लेकर उनको कुछ कहा गया, FIR में ऐसा एलिगेशन नहीं है। बाकी जो वो थे मरने वाले लड़के के साथ, उनके हम बयान ले रहे हैं, तो जैसे उनकी स्टेटमेंट आई कि उसके अकॉर्डिंग आरोपी का जो हमने इंसाफ किया है उसमें उसने ये तो कहा है कि कुछ धर्म को लेकर बात हो रही थी, लेकिन ये बीफ वाली बात कोई नहीं।
जांच में जुटी रेलवे पुलिस का साफ कहना है कि ट्रेन में हुई चाकूबाजी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था, बल्कि ये झगड़ा सीट को लेकर हुआ था। पुलिस का दावा है कि उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी को पलवल से गिरफ्तार किया है, लेकिन उसकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है। ट्रेन में हुई चाकूबाजी के गुनहगार कौन कौन हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, रेलवे पुलिस इस बात की तहकीकात में जुटी है। लेकिन ट्रेन में हुई इस खूनी घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। सच्ची घटना के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम के साथ इमरान खान की रिपोर्ट। वो महिला सुबह होते ही अचानक घर से निकली और कुछ ही देर बाद वो एक 50 फुट ऊंचे मंदिर के ऊपर चढ़ गई। यही नहीं, मंदिर के ऊपर से वो अपनी जान देने की धमकियां देने लगी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये आप खुद देख लीजिए। वो 50 फुट ऊंचे मंदिर के ऊपर बैठी थी। वो मंदिर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दे रही थी। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था, वो मंदिर से नीचे कूद भी सकती थी। वो मंदिर के ऊपर ही जहर खाकर जान देने की धमकी भी दे रही थी। हरियाणा के फतेहाबाद से आई इस तस्वीर को देखकर यकीनन आप भी सहम गए होंगे। यहां मंदिर के नीचे खड़े लोग भी दम साधे खड़े थे। वो महिला को नीचे लाने के लिए मान मनवल कर रहे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन ये महिला मंदिर की चोटी से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थी। पता चला कि ये महिला दो बच्चों की मां है और उसे पति छोड़कर चला गया है। ये महिला पारिवारिक तनाव से गुजर रही थी और इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अचानक सुबह ये 50 फुट ऊंचे मंदिर के ऊपर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी। कुछ देर तक तो लोग समझ नहीं पाए कि ये खुदकुशी की धमकी क्यों दे रही है। मंदिर पर चढ़ी महिला की खबर फैली तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी पहुंच गए और महिला को मंदिर से नीचे उतारने की कोशिश शुरू हो गई। हर कोई इस बात से डरा था कि महिला कहीं जहर ना खा ले या कूद कर जान ना दे दे। काफी मनाने के बाद ये महिला नीचे उतरने को जब राजी हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। इसने मंदिर के ऊपर चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लिया था जिसे वो जहर बता रही थी। उसने अंडे को घोंसले में रखा और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। मुंह पर लिटर करो आप। मैं कूद के भी मरूंगी नहीं अंकल। ओ नहीं नहीं बेटा, मैं सिखाया गया था मुखर्जी नगर में कैसे होता है। लोग सांसें रोके इस महिला के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनकी कोशिश कामयाब हुई। न्याय मिलेगा भाई, मन बिल्कुल परिवार वालों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से ये बहुत तनाव में थी और इसी मानसिक हालत में इसने खुदकुशी की धमकी देने का फैसला किया। सच्ची घटना के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब सच्ची घटना में हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तस्वीर ऐसी दो महिलाओं की है जो बीच सड़क पर झगड़ पड़ी और इसके बाद उन दोनों के बीच ऐसा दंगल हुआ कि देखने वाले भी दंग रह गए। बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ी ये महिलाएं ऐसे लड़ रही हैं जैसे इनके बीच पुरानी दुश्मनी है।
दोनों महिलाएं मोबाइल छीनने को लेकर भिड़ गईं और एक दूसरे को पटक पटक कर मारने पीटने लगी। ब्लैक सूट पहनी महिला कई बार सफेद सूट पहनी महिला के ऊपर बैठ जाती और थप्पड़ों की बरसात करने लगती। ये नजारा देखकर थोड़ी देर में ही लोगों का हुजूम जुट गया। बताया जा रहा है कि पिटाई कर रही महिला के पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। दूसरी महिला पहली महिला के पति से मोबाइल पर बात करती है। आज जब दोनों आमने सामने सड़क पर मिली तो गुत्थम गुत्था हो गई। दूसरी महिला के मोबाइल में पहली महिला के पति का मैसेज भी है। इसी मैसेज को देखने के लिए दोनों की कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।